एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रम का। ये देखिए मूंग दाल की खिचड़ी, ना इसको फ्राई करने का झंझट, ना छौक लगाने का बाद में झंझट। देखिए कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी। और गाइस इसे आप बनाकर एक बार खाएंगे तो दोबारा बार बार खाएंगे, क्योंकि गाइस हमारी भी इसमें तबियत थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं सही है। तो यही ऐसी तबियत में लगता यही है कि हम ऐसी कोई चीज बनाकर खाएं जो बहुत जल्दी बन जाए और इजी रंग से बन जाए। तो आज की हमारी ये रेसिपी आप लोग पूरी देखें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज आज हम एकदम सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं, जो कि इसे बिगनर भी बना सकते हैं और वैसे तो बना ही सकते हैं। ये देखिए गाइज, ये अपना हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा राइस है, ठीक है, चावल, और ये है हमारा हाफ कटोरी मूंग की दाल। तो हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल और खिचड़ी, ठीक है। हम मूंग दाल की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, बट ये मत समझिएगा कि हम ऐसे ही उबालेंगे और फ्राई कर देंगे। अगर आपको देखनी है तो ये रेसिपी आप पूरी देखिए, काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल रेसिपी है, बहुत जल्दी बिगनर भी बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए पौन कटोरी हम अपने ले रखी है चावल का, ये नए चावल है, पानी की जो मात्रा है वो चावलों पर हमारी डिपेंड करती है। पुराने चावल होते हैं उनमें पानी मात्रा ज़्यादा लगती है, और नए चावल होते हैं उनमें कम लगती है थोड़ी सी पानी की मात्रा। और ये हमने इसमें दाल आपस में इसको भिगो के रख देंगे, दो से तीन बार इसको धुलेंगे, धुलने के बाद मिलते हैं। देखिएगा हमने धुल लिए हैं अपने चावल यानी राइस, और इनको ऐसे ही भिगो के रख देंगे, ऐसे ही भीगने देंगे। और चलिए आप बनाते हैं अपनी खिचड़ी। ये देखिए गाइस, हमने अपना फ्लेम पर कुकर चढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे घी, फ्लेम को धीमा रखेंगे क्योंकि घी है, हमें सिर्फ घी मेल्ट करना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। तो ये हमने थोड़ा सा और घी डाल दिया, कम लग रहा था। घी वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट होने देंगे, ठीक है, मेल्ट होने के बाद फिर मिलेंगे। ये देखिए गाइस हमारा हो चुका है, मतलब मेल्ट हो चुका है। तो इसमें हम लेंगे एक स्पून के करीब जीरा, इसको हम भून लेंगे। ये देखिए गाइस जीरा हो चुका है, तो इसमें हम कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ टेबल स्पून, और ये 6 से 7 पिंच हींग है, क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो इसको भी भूनेंगे अच्छे से। और भूनने के बाद अपने खिचड़ी के चावल डाल देंगे, ठीक है। फ्लेम को थोड़ा सा धीमा ही रखें और इसको ऐसे मिलाते हुए हम मिला लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। ये देखिए गाइस हमने एक स्पून नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल लें, क्योंकि चावल थोड़ा सा फूलने पर ज्यादा हो जाता है पानी पड़ने पर। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से भूनेंगे ना तो स्मेल भी अच्छी आएगी चावलों से और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल चीजों से ही बना हुआ है ये, ये देख सकते हैं गाइस। ये हमने ले लिया अपना चाट मसाला 1 स्पून के करीब, ये भी डाल देंगे इसमें। आप चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे, इसे चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो इससे हमारी जो खिचड़ी होगी वो हमको अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी, बिल्कुल मरीजों वाला खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस हमने पानी ले लिया, ये बॉयल पानी है हमारा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि खिचड़ी तहरी कुछ भी बनाए उसमें बॉयल पानी ही डालें। और देखिए कटोरी से हम नाप कर डाल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि हम पतली वाली खिचड़ी बना रहे हैं। पानी आप अगर दो एक कटोरी चावल है आपका, 3 से 4 कटोरी पानी आप ऐड कर सकते हैं। हमने 3 कटोरी पानी ऐड किया हुआ है, 1 कटोरी पानी हम और ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, यानी हमने 1 कटोरी चावल और दाल मिलाकर हमारा 1 कटोरी था, तो इसका हमने डाला है 4 गुना पानी, यानी 4 कटोरी पानी, ठीक है। तो अब इसको हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें 1 से 2 सीटी लगा लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इसको अब हम बंद कर देंगे अपनी फ्लेम को और इसमें सीटियां आने देंगे, 1 से 2 सीटी कर लेंगे आराम से। और देखिए बॉयल पानी डाला है तो जल्दी सीटी भी आ जाएगी। इसी तरह से 2 सीटियां आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इसमें पूरी तरह से गैस निकल जाए इसकी, उसके बाद में हम मिलते हैं आगे आपसे। देखिए गाइस सीटी निकल चुकी है, तो चलिए इसको अपना ओपन करते हैं और देख लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस ये किस तरह से हो गई है। आप अगर इतनी पतली खाना चाहते हैं तो आप ऐसी बना सकते हैं, बट हमें इसे थोड़ी सी और पतली चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इसमें थोड़ा सा बॉयल पानी अभी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस, हमने थोड़ा सा बॉयल किया पानी और इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ये पानी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं गर्म करने के बाद में। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने कितनी अच्छे से हमारी खिचड़ी बन के तैयार है, हमको इतनी पतली अच्छी लगती है। आप लोग गाइस अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने हरा धनिया थोड़ा सा लिया, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक बात और गाइस कि आप इसे गर्मे गर्म सर्व करें, क्योंकि ये गर्म गर्म में ही ज्यादा अच्छी लगती है, आप अगर ठंडी कर देंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए इस खिचड़ी को सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, जो मूंग दाल नहीं खाते बच्चे, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए ये बहुत टेस्टी होती है। और गाइस जो घर में अगर किसी का पेट खराब है या कोई बीमार है या हल्का खाना खाना चाहता है, उसके लिए ये खिचड़ी बहुत बहुत अच्छी है। क्योंकि मूंग दाल आप सभी जानते होंगे, मूंग दाल हमारे लिए कितनी सेहतमंद होती है और ये बहुत जल्दी हजम भी हो जाती है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, आप इसको गाइस हम हरी धनिया से सर्व कर देंगे। ये देखिए गाइस, आज की हमारी रेसिपी मूंग दाल की खिचड़ी। इसे फ्राई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको फ्राई राई पहले ही कर दिया है। तो आज की हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। इसको प्याज के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ बहुत अच्छे से खाएं, बहुत प्यारी और बहुत स्वाद में तो इतनी टेस्टी है, आपके बच्चे बार बार मांग कर खाएंगे, यही बोलेंगे कि हमको वही खिचड़ी खानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।